Hello and welcome guys, how are you? Hope you all will be doing well. Today's topic is from biochemistry, and that is the application of microbes in food industry, dairy products and food preservation. So hum dekhenge ki microbes hamari kaun kaun si industries mein use hota hai for the preservations ya usme jo hai na grow karne ke liye growth karne ke liye different food products ki. So let's move to the next one slide, that is the application of microbes in biotechnology. Biotechnology में actually techniques use होती हैं application of microbes जो कि हम देख लेते हैं उसके elaboration कर लेते हैं. Biotechnology as applied to food processing in most developing countries makes use of microbial inoculants to enhance properties such as taste, aroma, shelf life, texture and nutritional value of foods. The process where by microorganisms and their enzymes bring about these desirable changes in the food material is known as fermentation. अच्छा, बहुत ज़्यादा सारी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स होती हैं. इसके जो एक्चुअली रीजंस है, किस किस वजह से माइक्रोब्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया जाता है, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, उसका जो अरोमा है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, फूड की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए ताकि वो देर तक यूज़ किया जा सके, उसका टेक्स्चर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए. एक्चुअली इस प्रोसेस को जो है ना, द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन. तो ये जो है ना, फर्मेंटेशन के थ्रू डिफरेंट जो है ना माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है और डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड इंडस्ट्री. फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग इज ऑल्सो वाइडली अप्लाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स, एंजाइम, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, फूड एडिटिव्स एंड range of other high value added products. These high value products are increasingly produced in more technological advanced developing countries for use in their food and non-food processing application. Many of these high value products are also imported by the developing countries for use in their food processing applications. हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ में भी जो है ना माइक्रोब्स का वाइड यूज़ है, जैसे कि फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए, उसके फ्रेग्रेंसेस को, उसमें एडिटिव्स में यूज़ हो सकता है, प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन में एक्चुअली यूज़ होता है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, एडिटिव्स की प्रोडक्शन के लिए और अदर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए भी फूड इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है. डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने जो फूड है या अपना जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए और डिफरेंट और इसके चीज़ों को जो है ना इन्हेंस करने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में एट द प्रेजेंट टाइम. So let's move to the next one slide, the flavors, amino acid and sweetener. और किन किन चीज़ों में यूज़ हो रहा है ये देख लेते हैं. Volatile organic chemicals such as flavors and aromas are the sensory principles of many consumer products and they go on their acceptance and market success. Flavors produced using microorganisms currently compete with those from the traditional agriculture sources. According to Berger 2009, more than 100 commercial aroma chemicals are derived using biotechnology either through the screening for or producers and eradication of metabolic pathways and precursors or through the applications of conventional bioengineering. तो क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे जो माइक्रोब्स हैं उनका वाइडली यूज़ हो रहा है. बर्जर के अकॉर्डिंग 100 कमर्शियल अरोमा केमिकल जो है उनको बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए डिराइव किया जा चुका है और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, फूड के लिए उसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अरोमा के लिए और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के लिए, इन को इन्हेंस करने के लिए, फूड की लाइफ को इन्हेंस करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ वाइडली हो रहा है.
इसमें बहुत ज़्यादा सारे, जैसे हम फ्लेवर्ड चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत ज़्यादा सारे ईटिंग, जैसे हमारे पास ईटिंग जो चीज़ें होती हैं, जो स्वीटनर्स वगैरह होते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं, तो वो भी माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए ही उसको डिवेलप किया गया है और उसको स्पेसिफिक चीज़ का टेस्ट दिया गया है जो कि आप एक्चुअली खा रहे होते हैं। तो इसमें स्वीटनर्स में भी ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। सो फ्लेवर्स, अमाइनो एसिड एंड स्वीटनर की कंटिन्यूएशन है। डीएनए टेक्नोलॉजीज हैव आल्सो एनहेंस्ड एफिशिएंटली इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सच एज एस्पार्टेम एंड थोमेटिन। तो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में जो है ना, एक्चुअली इसका यूज़ हो रहा है। स्वीटनर जो आप डिफरेंट फ्लेवर्स की स्वीट्स खाते हैं उसमें जो है ना माइक्रोब्स का वाइडली यूज़ हो रहा है, उसको जो है ना उसको डेवलप करने के लिए, उसको एक स्पेसिफिक टेस्ट देने के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। मार्केट डिवेलपमेंट हैज़ बीन पर्टिकुलरली डायनेमिक फॉर द फ्लेवर एनहांसेस ग्लूटामेट which is produced by the fermentation of sugar sources such as molasses, sucrose of glucose using high performance strains of cyanobacterium, glutamate and E. coli. ये डिफरेंट जो है ना आपके पास माइक्रोब्स हैं जो कि शुगर सोर्सेज में यूज़ हो रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सोर्सेज के लिए यूज़ हो रहे हैं, जिसमें मोलासेस, सुक्रोज और ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये माइक्रोब्स जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, फ़्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को फ्लेवर देने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा है कि 100 डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल माइक्रोब्स जो हैं वो ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास आ चुके हैं। तो ये कुछ है यहाँ पे जो कि स्वीटनर्स को या जो कि फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं पूरी वर्ल्ड में। अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आर ऑल्सो ऑफ अ ग्रेट इंटरेस्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स यूज इन द वराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। वराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं यही वाले माइक्रोब्स फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के को डेवलप करने के लिए। फूड सेफ्टी इश्यूज एंड कंसर्न इन फूड फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग। माइक्रोबियल एक्टिविटीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन फूड फर्मेंटेशन प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज सच एज इम्प्रूवमेंट इन शेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज टेक्सचर एंड फ्लेवर। Pathogenic organisms are, however, of prime concern in fermented foods. Anti-nutritional factors such as phytates, tannins, protein inhibitors, lactins, saffrons, oligosaccharides, and cyanogenic glucosides are naturally occurring components of raw materials commonly used in food fermentations in developing countries. तो ये हमारे पास फूड सेफ्टी के लिए भी माइक्रोब्स का वाइडली यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, इसके टेक्सचर को, इसके फ्लेवर्स को, इसके शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे पूरी दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको कैटेलिक प्रॉपर्टीज़ या ये जो है ना, ये कैटेलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं माइक्रोब्स के थ्रू। फूड कंटेमिनेशन कंसर्न्स इन फूड फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग। फूड कंटेमिनेशन के लिए भी ये जो है ना वाइडली पूरी वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। कंटेमिनेशन ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस कैन पोज अ मेजर हेल्थ रिस्क इन द फाइनल फर्मेंटेड प्रोडक्ट। मेथडोलॉजीज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, हैवी मेटल्स, स्ट्रेस एलिमेंट्स एंड बायोकेमिकल एफाटॉक्सिन्स हैजर्ड्स इन फर्मेंटेड फूड आर देयरफॉर अ क्रिटिकल नीड। फर्दर मोर, with growing consumer interest in the credence attributes of the products that they consume and the premium currently being placed on quality linked to geographical origins, the traceability of foods with selected properties is of increasing importance. तो क्या हो रहा है, फूड कंटेमिनेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई कंसर्न है, तो उसको लोअर करने के लिए भी माइक्रोब्स को
यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स जो है वो सीखे जा रहे हैं या डिफरेंट मेथड्स जो है वो इन्वेंट किए जा रहे हैं कि इसको किस तरह से सेव किया जाए। एक्चुअली जो हमारा मेन कंसर्न है वो फूड है। जैसे जैसे वर्ल्ड की जो है ना पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो हमारा फूड कंसर्न जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन और ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी वाइडली डिफरेंट कंट्रीज़ में तेज़ी से फैल रही हैं। तो इसको लोअर करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस टाइम पे इसको लोअर करने के लिए फ़ूड की जो वो कैपेसिटी है या फूड ज़्यादा करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन डेयरी फूड प्रोडक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन, लैक्टिक एसिड, योगर्ट, मिल्क, सॉकराज, कैबेज, किमची, वेजिटेबल्स, सलामी, मीट, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लियोनोसेक बैक्टीरिया मेटाबोलाइज़ शुगर इन द सबस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। दिस लोअर द पीएच एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, सो प्रिजर्व द फूड। इट ऑल्सो अल्टर्स द कंसिस्टेंसी, टेक्स्चर एंड फ्लेवर्स बाय कोगुलेटिंग प्रोटीन्स। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस टाइम पे ये डिफरेंट जो है माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है, ताकि हमारे पास जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहे और वो जो है ख़राब ना हो, ताकि उसको यूज़ बाद में किया जा सके और फूड वेस्ट ना हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन फूड इंडस्ट्री। मैनी आर यूज्ड इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज टू इन्हांस फ्लेवर एज antioxidants as sweeteners. प्रोलाइन इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स। तो कुछ कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं, कुछ एज ए स्वीटनर यूज़ हो रहे हैं, और आपको बता दिया आगे एक्चुअली कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि एज ए स्वीटनर यूज़ हो रहे हैं, कौन से एज एन एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ हो रहे हैं, और कौन से फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, विटामिंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। मैनी विटामिंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट द मोस्ट कमर्शियल कॉस्ट प्रोडक्टिव आर विटामिंस B12, थायमीन, राइबोफ्लेविन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। बैक्टीरिया ऑफ जेनेरा बेकैलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सुडोमोनास एंड प्रोपियोने आर ग्रोन ऑन सबस्ट्रेट सच एज ग्लूकोज और मिथेनॉल, द लेटर टू बैक्टीरियाज अंडर एनएरोबिक कंडीशंस टू प्रोड्यूस दीज विटामिंस। विटामिंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी माइक्रोब्स का वाइडली यूज़ हो रहा है। डिफरेंट जो माइक्रोब्स है वो डिफरेंट विटामिंस की प्रोडक्शन के लिए इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं, जो कि एनएरोबिक रिएक्शंस होते हैं, और एनएरोबिक रिएक्शंस के थ्रू जो है ना माइक्रोब्स डिफरेंट विटामिंस को प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, दैट इज़ एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड यूजेस। इसकी यूजेस क्या होते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स को माइक्रोब्स जो है वो डिवेलप करते हैं। माइक्रोबियल रेनिन हैज़ प्लेस्ड काफ्रेनिन फॉर चीज़ मेकिंग सिंस द mid-1960s। तो चीज़ मेकिंग, योगर्ट मेकिंग, इसमें भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा एक एक्टिव रोल होता है। इसकी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। लाइपेजेस एंड प्रोटीजेस आर यूज इन वॉशिंग पाउडर्स में भी यूज़ होते हैं। ग्लूकोज आइसोमरेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रुक्टोज एंड पेक्टिनेसिस इन फ्रूट जूस एक्सट्रैक्शन में और फ्रुक्टोज की प्रोडक्शन में भी डिफरेंट माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। मैनी एंजाइम्स आर यूज इन द पेपर, टेक्सटाइल एंड एनिमल फीड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेस इज यूज बाय डायबिटीज इन बायोसेंसर्स टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में और एनिमल फीड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स इस टाइम पर वाइडली यूज़ हो रहे हैं। सिट्रिक एसिड बाई माइक्रोब्स एंड यूज, दिस इज़ प्राइमरी मेटाबोलाइट यूज इन द फूड एंड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज एज अ फ्लेवर इनहांसर्स फॉर marmalade, fruit juice and ice creams. In the pharmaceutical industry, it is used to preserve stored blood, tablets and ointments. It is used in cosmetic as an anti-foaming agent and to soften textiles. So, जो सिट्रिक एसिड है, एसिड बाय माइक्रोब्स एंड यूज। अच्छा, अब बाकी कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं? एक्चुअली आइसक्रीम की प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स की
प्रोडक्शन के लिए और फ्रूट जूसेस के प्रोडक्शन के लिए भी, उसको डिफरेंट फ्लेवर्स देने के लिए भी माइक्रोब्स का वाइडली यूज़ हो रहा है इस इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी इसका यूज़ है, स्टोरेज के लिए, ब्लड को स्टोर करने के लिए, जैसे ब्लड बैंक्स में काफ़ी ब्लड ब्लड जो है ना वो पाउचेस आते हैं, तो उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि उसको वो ख़राब नहीं होने देते, उसको क्लॉट नहीं होने देते और वो बहुत टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। टैबलेट्स और ऑइंटमेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए भी माइक्रोब्स का वाइडली यूज़ हो रहा है। कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल को सॉफ्टन करने के लिए, और एंटी फॉर्मिंग एजेंट को भी माइक्रोब्स इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में वाइडली यूज़ हो रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड एंड दैट इज़ द माइक्रोब्स इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या रोल है? सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन फ्रॉम मिथेनॉल, मीथेन एंड डीजल ऑयल विच कैन बी एडेड टू एनिमल फीड। एनिमल फीड के लिए डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज़ किया जा सकता है, उससे जो है ना उसकी प्रोडक्शन, एनिमल फीड की प्रोडक्शन की जा सकती है, एनिमल फूड की प्रोडक्शन की जा सकती है, जो कि बाद में उनके उनको आप उससे एनिमल को फीड कर सकते हैं। मरमाइट इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोलाइजिंग स्पेंट यीस्ट। मरमाइट यीस्ट से बन सकता है, जो कि एक माइक्रोब है, उससे जो है ना उसकी प्रोडक्शन हो सकती है। स्पेरुलिना टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज ईटन इन द पार्ट ऑफ अफ्रीका। कुछ माइक्रोब्स को एज ए फूड भी यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली एज ए फूड, जिसमें स्पेरुलिना है वो अफ्रीका में बहुत ईजीली जो है ना अवेलेबल होता है फॉर ईटिंग। कॉर्न इज़ अ माइकोप्रोटीन मेड फ्रॉम फिशरियस वेनेचम, दिट इज़ मेड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इज़ हाई इन बोथ प्रोटीन एंड डाइट्री फाइबर व्हाइल लो इन सैचुरेटेड फैट। इसमें सैचुरेटेड फैट एक्चुअली बहुत कम होता है और इसमें हाई प्रोटीन डाइट है ये, डाइट्री फाइबर भी इसमें ज़्यादा होते हैं। हाउएवर इट इज़ लो इन आयरन एंड मे बी हाई इन प्यूरिन्स डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स, थॉट बाय सम टू इंक्रीज रिस्क ऑफ गाउट। तो इसमें जो है ना इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं कि इसमें आयरन ज़्यादा होता है और इसमें हाई लेवल ऑफ प्यूरिन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड का ही एक वो उसकी बेसिस इसको माना जाता है, तो ये गाउट के रिस्क को जो है ना बढ़ा सकती है। सो ये एक फर्मेंटर है जिसमें एक रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होता है और आगे जाके वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में फर्मेंटर्स यूज़ होते हैं माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये जो है ना ये इस तरह से वर्क करता है, पूरा एक इसका एक अपना एक प्रोसेस होता है। So that's it for today. I hope you enjoyed the lesson. Goodbye.